गुड मॉर्निंग एवरीबडी। उम्मीद है सब सवाल कृष्णा का बन गया होगा, इस पॉइंट वन का। अब आगे बढ़ते हैं हम 19.2 में। एक्चुअली एनसीईआरटी में ये प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, लेकिन आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड थोड़ा सा हम आपको पढ़ाएंगे इसलिए पढ़ाएंगे कि फॉर्मूला पर त्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला पर आपका पकड़ बने, आप ट्रांसफॉर्म करने फॉर्मूला को सीखें। इसलिए हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड केई सिन्हा का 19.2 बताएंगे। इसको बताना ज़रूरी है क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शंस, तब उस समय हमको इसका जरूरी थोड़ा थोड़ा पड़ेगा। इसलिए थोड़ा अभी एक आध दिन अगर हम समय दे के आपको सिखा दें तो लगेगा कि नहीं हम कुछ सीखे, वहाँ थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर यहाँ सीख के जाएंगे तो वहाँ आसान हो जाएगा। एक रंजीत यादव लिखता है, सर क्लास कब से खुलेगा? हम सरकार नहीं हैं, सरकार से पूछिए कब से खोलिएगा। जब सरकार खोल देगी तो कोचिंग खुल जाएगा, इसलिए हमसे मत पूछिए। तो हम लोग चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ऐसे हम पहले बता दें आपको इसके बारे में, मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस। देखिए लिखता है मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस, समाकलन का विधि पहला कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस मेथड, सेकेंड कहेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और फोर नंबर कहेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। एक्चुअली यही तीन पढ़ना था आपको, ये हम एक्स्ट्रा आपको पढ़ा रहे हैं। थोड़ा अगर यहाँ पढ़ लीजिएगा तो आगे आपको रेशनल इरेशनल का इंटीग्रेशन पढ़ने में आसान हो जाएगा। ये जो थोड़ा इस फॉर्मूला पर पकड़ बन जाएगा, तोड़ने के लिए सीख जाइएगा, आगे बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पर। किस पर चलें? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पर। आइए देखते हैं इनके बारे में, जिसको कहते हैं रूपांतरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, खंडसा विधि, अंशतः भिन्न विधि। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले चलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। थोड़ा सा सीखना इसको, ये कमाल का चीज़ है। अगर इंटीग्रेशन में इसको सीख जाते हो, मेन यही है, आगे बहुत आसान हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन सब में कुछ है नहीं, ट्रिक मारेंगे सब बन जाएगा। तो पहला क्या लिखे हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण विधि। क्या पढ़ेंगे? रूपांतरण विधि। तो ये देखिए रूपांतरण विधि है क्या चीज। इन दिस मेथड, इन दिस मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस, ऑफ इंटीग्रेशंस, देखिए कहता है इन दिस मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस, कहता है समाकलन के इस विधि में द गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड, व्यक्त करना एक्सप्रेस्ड एज, एक्सप्रेस्ड एज द अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम ऑफ सच फंक्शन, सच फंक्शन हूज इंटीग्रेशन
पूछ पूछ इंटीग्रेशन छोड़ दो, पूछ फंक्शन इज, फंक्शन कैन बी रिटन डाउन विथ द हेल्प ऑफ सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला। क्या कहता है जब ध्यान दीजिए, इन दिस मैटर इस विधि में, इंटीग्रेशन की इस विधि में गिवन फंक्शन तो फंक्शन दिया गया उसको एक्सप्रेस्ट करेंगे किसमें, बीजगणितीय योगफल में। जो सच फंक्शन दिया गया फंक्शन जो है उसको हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम यानी आप बीजगणितीय योगफल में लिखेंगे, और इस फंक्शन जो जिसका फंक्शन है वो लिखेंगे किसके हेल्प में, स्टैंडर्ड फार्मूला से इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। किससे करेंगे, स्टैंडर्ड फार्मूला से ट्रांसफर करेंगे। अरे बड़ा ही लिखते हैं, है ना तुलसी कुमार, बड़ा ही है। आप वीडियो को इस तरह से कीजिए, बड़ा दिखाई पड़ेगा, नहीं तो इतना भर जाएगा फिर कहाँ से देंगे फार्मूला। अब देखो कौन कौन सा फार्मूला पर हम इसको तोड़ेंगे, इस तरह ध्यान रखो। पहला देखो रूल बता देते हैं, किस किस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा इंटीग्रेशन आपका, किस टाइप का, अगर ए एक्स प्लस बी पर पावर होल एन डी एक्स, डायरेक्ट आपको हम बताए थे। देखो तो पूरे को एक्स मान लो तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी पावर होल एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, और एक्स के साथ क्या गुना है, ए से भाग प्लस सी। अगर इस तरह से रहेगा प्रॉब्लम, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, रूट का मतलब कितना पावर जानते हैं आप लोग, कितना पावर, तो कहेंगे ए एक्स प्लस बी पावर हाफ डी एक्स, ए एक्स प्लस बी पावर हाफ डी एक्स। तो बताइए क्या होगा, ए एक्स प्लस बी पावर हाफ प्लस वन, क्या कहता है एन है तो एन प्लस वन, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, हाफ प्लस वन, हाफ प्लस वन बाय कितना, हाफ प्लस वन प्लस सी। इसी को कैलकुलेट करोगे हो जाएगा ए एक्स प्लस बी पावर होल थ्री बाय टू बाय थ्री बाय टू प्लस सी, पलट दो तो क्या हो जाएगा, टू बटे थ्री ए एक्स प्लस, अच्छा इन टू ए से गुना ना, ए से भाग ना, गुना है एक्स के साथ तो ए से भाग, इन टू ए तो क्या हो जाएगा, थ्री ए एक्स प्लस बी पावर होल थ्री बाय टू प्लस सी। इस टाइप से देखिए, ए से गुना है तो इसे भाग भी लगेगा, यहाँ हो गया और इसको ला दिए। इस तरह का अगर प्रॉब्लम कहीं मिले तो आप दिमाग में बैठाइए इसी तरह से इसको बनाना है। तो ये जल्दी लिख लीजिए आप लोग, मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी होनहार छात्र, बिहार के, यूपी के, बंगाल के सभी लोग जुड़े हुए हैं। सतीश सिंघम, हाँ फिल्म देख के अब सिंघम रखता है लोग, कोई दबंग रखता है, यही सब तो लोग करता ही है, पढ़ता लिखता है कहाँ, खूब करो, पढ़ोगे नहीं। नेहा प्रिया, सचिन कुमार, तुलसी कुमार, दीपक कुमार, शिवम राय, अमित कुमार, शिवम राय, मनीष कुमार, दिलखुश कुमार बिहारी, हम तुमको कहाँ बोले तुम बंगाली हो, मिस्टर कुमार अनुराग, रणबीर बिहारी, सब बिहारी है, किशोर शर्मा गुड मॉर्निंग, मोहन कुमार, आशीष कुमार, मिस्टर कुमार अनुराग, तुलसी कुमार, थोड़ा बड़ा लिखिए, बड़ा लिखे हैं, अमरेश कुमार, सर जी फिर से बताएं, अच्छा बता देते हैं, साक्षी रानी, मिस्टर कुमार अनुराग, देसी हर्ड न्यूज, दिल से गुड मॉर्निंग इनको, सालू भारती, मिस्टर सुनील कुमार, शिवेश आनंद, युवराज सिंह, कॉन्सेप्ट सर बताएं कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन जाए, अच्छा हम वो भी बताते हैं, अभी थोड़ा सा हम आपको इंटीग्रेशन पकड़वाने के लिए सिखा रहे हैं, आप जब 9.8 तक पढ़ लीजिएगा तब हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे एडवांस बनाने का, कैसे आप सोचेंगे,
सबसे पहले इसका रूल को पकड़ें, रूल जब फॉलो कर लीजिएगा युवराज जी तो हम आपको एडवांस के बारे में बताएंगे। अभी रूल को पकड़वा रहे हैं सभी बच्चे को कि आखिर आप कैसे किस प्रॉब्लम को कैसे तोड़ेंगे, यही रूल अभी हम बता रहे हैं। मोहन कुमार, अभय रायचंद, मनीष कुमार, रितेश आनंद, निखिल कुमार, आदित्य आनंद, प्रसन्नजीत कुमार, अनिल यादव सुपौल से, वेरी थैंक्स, संतोष कुमार, अच्छा साइड हो जाए, विक्रम कुमार साइड हो जाएंगे तो पढ़ेंगे कैसे, हम ही को साइड कर दोगे, अब नाम नहीं यहाँ से पढ़ने में बनता है, वीडियो पर तो है ही, कहाँ पर पढ़ रहे तेरे, संतोष कुमार, विक्रम कुमार, हिमांशु राज, नितेश कुमार, अमरजीत कुमार, रोशन जदुवंशी, खुशबू कुमारी, नितेश कुमार, नरेंद्र कुमार, अंकुश कुमार राय, राहु केतु, विश्वजीत सिंह, बंटी कुमार, नितेश कुमार, राहु कुमार, मेनी मेनी थैंक्स आप लोगों को। लिखिए जल्दी, अब इस पर चलेंगे, आज इस चैप्टर को ख़त्म करना है, जो तुम लोग बना लोगे पीडीएफ भी भेजना है हमको, पीडीएफ भी भेजना है, साइड हो गए हैं, हो गया, हो गया होगा, ओम प्रकाश कुमार भी हैं, बबलू कुमार भी हैं, राजेश कुमार भी हैं, साइड हो जाइए, साइड हो गए हैं, अब तो हो गया होगा तुम लोग का, इतना को लिखने में कितना देर करते हो बताओ। अरे बाबा वो बताएंगे अभी, अभी बताएंगे राहुल कुमार जी, इसको हम बताएंगे अभी, अभी इसी पर जाएंगे हम, पहले थ्योरी पढ़ाने दो तब ना, तुम लोग बीच में सब चीज पूछते हो कैसे राइट करोगे, सब बता देंगे अभी, सब सवाल बन जाएगा आज, टोटल चीज बता देंगे अभी बेसिक कॉन्सेप्ट में इस चैप्टर का, किस फॉर्मूला को कैसे तोड़ेंगे। थैंक्स एकेडमी, लॉर्ड एकेडमी को थैंक्स, प्रणाम प्रणाम, हो गया। अरे बोले तो लॉकडाउन कब खत्म होगा, हम सरकार नहीं है नितेश, ये सब हमसे मत पूछो, लॉकडाउन खत्म होगा तो आना, लॉकडाउन खत्म होने दो, हो गया होगा सबका, तो चलिए पढ़ाई करने, आप लोग का सवाल का जवाब दे दिए हैं उधर। इस टाइप का प्रॉब्लम को इस तरह बनाएंगे, देखो तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपको मिले, इस टाइप से रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स माइनस वन डी एक्स, इस टाइप का प्रॉब्लम जहां भी देखिएगा, यानी इस टाइप का प्रॉब्लम आपको मिल जाए वन बाय रूट अंडर एक्स प्लस ए, प्लस को या माइनस को जो भी मिले, इस तरह से मिले तो इसको हम लोग करेंगे रेशनलाइज, क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज जैसा कि आप लोग जानते हैं परमेयीकरण, मैट्रिक में पढ़ के आए होंगे परमेयीकरण, उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनलाइज, तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे है ना रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे क्या लिखा है युवराज, युवराज सिंह सर एन बिलोंग कैसे करेंगे, क्या एन बिलोंग है, कहाँ लिखे हैं एन, एन तो यहाँ पर देख लो, एन के बारे में ये बोलते हो बिलोंग टू नहीं है, नेचुरल नंबर है, क्या है नेचुरल नंबर कहो या रियल नंबर कहो, जो तुम समझो यहाँ, ज़्यादा करके देखो रियल नंबर है कि नहीं, आप रियल नंबर लेके चलते हैं एन, एन का मतलब कॉन्स्टेंट है यहाँ, रियल नंबर लेके चलते हैं, वन हो जाए टू हो जाए थ्री हो जाए या हाफ, हाफ क्या है रियल नंबर है, इसलिए इसको रियल नंबर कहेंगे, वन बाय थ्री हो जाए, वन बाय फोर हो जाए, टू हो जाए, फाइव हो जाए, जो भी हो जाए, यहाँ रियल नंबर लेके चलेंगे एन। अब यहाँ आओ, इसको प्रमेयीकरण करो, रूट एक्स माइनस वन कैसे होगा इसका रेशनलाइज, माइनस है तो प्लस से, एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन बाय रूट अंडर एक्स प्लस वन प्लस रूट अंडर एक्स माइनस वन, अभी जो राहुल जी आप पूछते हैं ये सब बता चुके हैं एन के बारे में फॉर्मूला में ही, वहाँ देखिए आप लोग क्या करते हैं बीच में आते हैं पूछना शुरू करते हैं, इस फॉर्मूला में ही जब ये फॉर्मूला बताया गया था आपको एक्स पावर एन डी एक्स, या यहाँ ये फॉर्मूला बताए थे एन के बारे में,
एन क्या है, कोई भी पावर है, इंडेक्स है, कोई भी पावर है रियल नंबर में, क्या होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन, यहीं की चर्चा कर देती, यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इस सबको देखिए, पीडीएफ मिलेगा, हम भेजते हैं पीडीएफ, विक्रम कुमार जी पढ़िए, अभी पीडीएफ का चिंता करते हैं। तो क्या किए, रेशनलाइज किए, जब देखिए तो माइनस है तो किससे करेंगे रेशनलाइज, प्लस से कर दिए। अब इसका क्या काम है, कैलकुलेशन करना, क्या काम पड़ेगा मेरा, कैलकुलेशन करना। और अभी एक फॉर्मूला आपको बताए थे जस्ट इस टाइप का, आपको याद होगा, अभी तुरंत बताए हैं इस टाइप से, ए एक्स प्लस बी पावर हाफ, इसका दिमाग में रख लीजिए, या इस तरह से ए एक्स प्लस बी पावर होल एन, जहां एन अभी पूछा युवराज जी एन क्या है, तो मैं बता दूं रियल नंबर पावर है। तो आप आइए यहां इस टाइप से देखिए, तो हम लोग क्या किए, जहां देखना प्लस होगा तो माइनस से, और माइनस है तो प्लस से रेशनलाइज करना है हमको, तो करना है तो क्या होगा, रूट अंडर एक्स प्लस वन प्लस रूट अंडर एक्स माइनस वन बाय, जहाँ देखिए ये ऊपर वाला है, ये लिख दिए इस टाइप का। और यहाँ देखिए तो ए माइनस बी, इसको अगर ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ए माइनस बी यही चीज यहाँ है और यही चीज यहाँ है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला से देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप लोग ये भी जानते हैं कि रूट ए पर स्क्वायर हो तो रूट हट जाता है, स्क्वायर है तो क्या बचेगा, ए। यहाँ देखो तो इस पर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो एक्स प्लस वन माइनस इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या होगा एक्स माइनस वन डी एक्स। इसका मतलब पावर बताओ, एक्स प्लस वन पावर हाफ प्लस एक्स माइनस वन पर पावर हाफ बाय, यहाँ आओ एक्स प्लस वन कैलकुलेट कर रहे हैं माइनस एक्स माइनस प्लस वन डी एक्स, देखिए तो कैंसिल हो गया, वन जर वन टू हाफ बाहर आ गया, एक्स प्लस वन पावर हाफ अब प्लस एक्स माइनस वन पावर हाफ इस टाइप से डी एक्स, देख लीजिए। अब क्या करेंगे, अलग अलग यू प्लस भी, क्या करेंगे यू प्लस भी, यू प्लस भी में तोड़ेंगे, आवाज़ तो सही है, आवाज़ तो सही लग रहा होगा, आवाज़ सही नहीं आ रहा है, आवाज़ सही है, देखो तो इस टाइप से अलग अलग कर लेंगे, यू प्लस भी में करेंगे, यू प्लस भी में आप कैसे करेंगे, अलग अलग कर दो, फॉर्मूला बताए थे यू प्लस भी में, तो देखिए तो हाफ बाहर रहेगा, क्या करेंगे आप बाहर कीजिए, और ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन पावर हाफ डी एक्स प्लस माइनस वन पावर थ्री बाय टू, एक जोड़ेंगे तो थ्री बाय टू अब प्लस सी, टू टू कैंसिल, वन बाय थ्री बाहर ले लेते हैं, एक्स प्लस वन पावर थ्री बाय टू और प्लस एक्स माइनस वन पावर थ्री बाय टू, इस टाइप से देखिए कहीं है, क्या चल रहा है क्या, देख लीजिए, तो इस टाइप से आप इस टाइप का जितना भी प्रॉब्लम होगा, देखिए दो चार पांच प्रॉब्लम मिलेगा आपको किताब में, आप ऐसे प्रॉब्लम बताइए बनाएंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगा सब आप सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। अब फिर ये अलजेब्रिक प्रॉब्लम है, अलजेब्रिक प्रॉब्लम और आगे है, अब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप उस प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के द्वारा हम आपको बता रहे हैं। देखो ऐसा जब सवाल देखना कहीं, तो आप इसका क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, प्रमेयीकरण करेंगे और रेशनलाइज से कैलकुलेट करेंगे, इसका आप आपको बताए थे, इसके पहले है, इसी प्रॉब्लम के पहले बताए, उस तरह से आपका आ जाएगा। कैसा आवाज आ रहा है, वीडियो का तार रुक के आ रहा है, कट कट के सर है वीडियो सर, है ना, है ना, ज्यादा देखो तो वीडियो सही से आ रहा है, बताओ आवाज के बारे में, बताओ वीडियो के बारे में, बताओ
बता रहे हैं फिर से, आवाज़ को बताओ कैसा आ रहा है, आवाज़ और वीडियो ठीक से आ रहा है? देखो तो वीडियो फंस रहा है, आप देखो ना, देखो तो वीडियो नहीं फंस रहा है, अभी ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। साउंड रिपीट हो रहा है, साउंड रिपीट हो रहा है, रुक रुक कर अभी भी आ रहा है। कहीं कहीं हो सकता है नेट प्रॉब्लम हो बाबू, लेकिन यहाँ तो हम सब चीज़ देख रहे हैं। अच्छा, सब चीज़ सही चला था, पहले रुक गया था, नहीं चलो ठीक है, हम यही तुम लोग से ले रहे थे। फिर से एक बार समझिए इनको और आप लोग बनाइएगा, है ना, ठीक है, ठीक है, आ रहा है। थैंक्स आप लोगों को, आप लोग सूचना दिए सही से आ रहा है। यहाँ देखिए फिर से हम बता रहे हैं आपको, फिर से एक बार समझिए इनको, प्रॉब्लम को मेन, इस प्रॉब्लम को इसी अंदाज में बनाना है हम जो बता रहे हैं। दिमाग में थिंकिंग कीजिएगा कि अगर इस टाइप का कहीं प्रॉब्लम रहेगा तो हम इसी तरह बनाएंगे। कहीं कहीं लड़का को इस तरह से मिल जाए कि नहीं एक्स प्लस टू पर हाफ और प्लस एक्स माइनस थ्री पर हाफ इस तरह रहेगा, इसको डायरेक्ट बना लेना, इसमें परमेकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या यहाँ रूट भी दोगे, रूट भी देंगे हम, इसमें परमेकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी लड़का क्या करता है, इसमें परमेकरण करने लगता है, नीचे रहेगा, इसको डायरेक्ट बनाएंगे हम इस तरह से एक्स प्लस टू पर हाफ डी एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री पावर हाफ डी एक्स, जैसे अभी यहाँ बनाए, देखिए आ गया वन जोर वन टू, अभी देखिए ऊपर आ गया तो ऊपर में डायरेक्ट हाफ लिख दिए। लेकिन अगर नीचे रहे तो नीचे जब भी देखिएगा प्रॉब्लम के नीचे है वन बटे इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सबसे पहले एट फर्स्ट आप करेंगे रेशनलाइज, परमयीकरण करेंगे, क्या करेंगे, परमयीकरण करेंगे। और जब आपका परमयीकरण हो जाएगा तो पहले कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाएंगे। इसका इंटीग्रेशन इसके पहले जस्ट बताए थे, देख लीजिए फर्स्ट सवाल में, तो इस तरह से आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे, वन जोड़ेंगे तो थ्री बाय टू बटे थ्री बाय टू, फिर वन जोड़ेंगे थ्री बाय टू बटे, चूंकि एक्स के साथ कुछ गुना नहीं है, डिवाइड नहीं होगा, नहीं है, कैलकुलेट कर लीजिए, वन बाय टू टू तो कट जाएगा, टू टू कट जाएगा, वन बाय थ्री कॉमन आ जाएगा, इतना प्लस इतना आंसर। अगर ऊपर में रहे तो ऊपर में रहेगा तो आपको कुछ बनाना नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है। जैसे यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेट किए हैं, देखते हैं वन जीरो वन कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, डायरेक्ट इंटीग्रेट किए हैं इस तरह से। कभी कभी लड़के क्या करते हैं, ऊपर में भी रहते हैं, ऊपर में रहते हैं परमयीकरण कर देते हैं, वो फंस जाते हैं, नहीं बना पाते हैं, है ना। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि जब भी देखिएगा नीचे में है तो हम परमयीकरण करके रेशनलाइज करके प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएंगे। इस टाइप का प्रॉब्लम दिमाग में बैठाओ, इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा तो रेशनलाइज ही होगा। ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन में ये सब दिमाग में बैठाना पड़ता है कि अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा ही बनाएंगे, इसलिए इस सब को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। हम आगे चलते हैं, अब हमको लगता है वीडियो ठीक से चल रहा है। इस टाइप से देखिए प्रॉब्लम रहेगा आपको, थ्री एक्स प्लस फाइव बाय रूट अंडर सेवन एक्स प्लस नाइन डी एक्स। देखिए अल्जेब्राइक प्रॉब्लम है, ये सब अल्जेब्राइक प्रॉब्लम है, तो ये सब प्रॉब्लम को आप कैसे बनाएंगे, आप ये सब प्रॉब्लम पर ध्यान दीजिए। ये हम ट्रांसफॉर्मेशन से बता रहे हैं, इसी को सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं हम, इसी को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बना सकते हैं, एक ही प्रॉब्लम को तीनों मेथड से बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आप देखिए इसको कैसे ट्रांसफॉर्म, अल्जेब्राइक को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रिकोनोमेट्रिकल को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो इस सब को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ये एक्सपोनेंशियल को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ये सब को ट्रांसफॉर्म करने हम सिखा रहे हैं। और इसी में सब फॉर्मूला जो अभी राहुल जी पूछ रहे थे सेवन टू डी पावर एक्स, इसी सब को हम ट्रांसफॉर्म करने यहाँ पर सिखाएंगे। इसीलिए बोले ये चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं है, ये चैप्टर किसी सिना में है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि नहीं पहले इसको थोड़ा सा बता दें, ट्रांसफॉर्म करने लड़का सीख जाएगा तो आगे इंटीग्रेशन पकड़ लेगा। तो इस तरह से आप इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, देखिए वेरी सिंपल है, बिना रूट में कौन है, स्क्वायर रूट में ये नहीं है, तो लिखेंगे थ्री एक्स प्लस फाइव
बिना स्क्वायर रूट वाला को लिख देंगे इक्वल टू, अपने मन से दो कांस्टेंट लाएंगे ए और बी, अपने मन से दो कांस्टेंट लाएंगे ए और बी, लिखेंगे यहाँ ए इनटू इसको लिखो, इसको लिखो जो रूट में है, क्या है 7x+9 प्लस बी, बिना रूट वाला को लिखे और ए इंटू रूट के अंदर जो है डाल दो प्लस बी, ए भी कांस्टेंट है यहाँ, ध्यान रखिएगा अर्बिट्री, इसका वैल्यू निकालना है आपको ए और बी का ही वैल्यू निकाल के, और इसी के बदला में इसको रख देंगे यहाँ, इसी के बदले में इसको रखेंगे। देखिए ए बी का मान कैसे निकालेंगे, इसको फिर से देखिए, आप देखिए कि जो बिना रूट का है, ध्यान दीजिए एक बार फिर से, अटेंशन प्लीज एवरीबडी, इधर उधर मत देखिए, ये बहुत अच्छा है, इसको सीखना है। 3x+5 इस तरह से है, लिखिए जो जिस पर रूट नहीं है उसको लिख दिए, इक्वल टू ए कांस्टेंट लेंगे ए इंटू, आप जो रूट में है उसको लिखिए और प्लस एक कांस्टेंट बी रखिए, इस तरह से अब रखे तो इसको मल्टीप्लाई करके कोफिशियंट को बराबर करेंगे, यानी एक्स के गुणांक को बराबर करेंगे, तो एक्स के गुणांक को क्या है 3x+5 7a × x + 9a + b, देखो था एक्स के साथ ये गुना और ये कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, 9 भी कांस्टेंट है, तो 9a + b क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, और ये इधर भी है कांस्टेंट, एक्स के साथ क्या गुना है 7a, एक्स के साथ क्या गुना है 3, तो कहेंगे 7a = 3, 7a = 3, फिर से एक बार देखिए एक्स के साथ क्या गुना है 7a और यहाँ एक्स के साथ क्या गुना है 3, तो एक्स का कोफिशियंट गुणांक 7a, इधर गुणांक 3, तो दोनों बराबर करेंगे तो 7a = 3, इधर देखिए कांस्टेंट कितना है 9a + b, इधर कांस्टेंट कितना है 5, फिर से एक बार देखिए कैसे पढ़ करना है, नया चीज़ आप लोगों के लिए हो सकता है, आप लोगों के लिए नया चीज़ है, ऐसे त्रिकोणमेट्री में भी ऐसा एक बार ट्रांसफॉर्म हुआ था त्रिकोणमेट्रिकल मेथड से, तो यहाँ पर आप देखिए फिर से एक बार कि ये 3x+5 रूट नहीं है, तो बिना रूट लेके चलेंगे 3x+5 = ए भी कांस्टेंट है ए इंटू रूट के अंदर वाला लिखेंगे अब प्लस बी, रूट के अंदर वाला लिखेंगे प्लस बी, ए भी कांस्टेंट है, अब क्या करेंगे ये रहने देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से गुना करेंगे 7ax 9a अब प्लस बी, तो देखो तो एक्स के साथ क्या गुना हो गया 7a और एक्स के साथ क्या गुना है 3, तो ये और ये बराबर करेंगे, इधर कांस्टेंट इतना है इधर कांस्टेंट इतना है, इन दोनों को कांस्टेंट को इक्वल करेंगे इतना, इससे क्या होगा ए का मान निकल जाएगा और ए का मान रखेंगे तो बी का मान निकल जाएगा, a = कितना हो गया 3/7 भाग लग जाएगा, तो 9 × a का वैल्यू कितना है 3/7 + b = 5, तो क्या हो गया 27/7 + b = 5, तो यानी b = 5 − 27/7, यानी b = 35 − 27/7, यानी b का मान निकल गया 8/7, a का मान 3/7, b का मान 8/7, अगर किन्हीं को कहीं पर प्रॉब्लम है यहाँ पर समझने में तो आप हमको बताएं, आप हमको लिखें कि कोई समझा अथवा नहीं समझा, फिर से हम बताएंगे, अगर आप सोचें कि हम समझ गए, अगर आपको लगता है कि आप समझ गए हैं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर हम समझाएंगे, जल्दी लिखें आप समझे कि नहीं, युवराज सिंह जी निकाल दिया है वैल्यू बी का, अच्छी बात है। ये हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बता रहे हैं, जब रूट ऊपर रहेगा आपको हम बता दें इस तरह से रहेगा रूट अंदर 3x+5 / 2x+3, तो इसको हम बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, इस तरह प्रॉब्लम हमको नहीं मिलेगा, तब ये गुना में हो सकता है, इस तरह हो सकता है 3x + 9 dx, तब ये सवाल इस मेथड से बनेगा, तो सबका अलग अलग है, जब ऊपर रूट रहेगा नीचे नहीं रहेगा तो हम लोग चलेंगे इरेशनल में, कहाँ चलेंगे इरेशनल में, सबका अलग अलग तरीका है हम बताएंगे, तो हमको लगता है ये समझ गया है सब लड़का लिख रहा है, समझ गए हैं सब, फिर से एक बार समझिए,
देखिए बिना रूट है, बिना रूट वाला लिखे, ए भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट ले अपने मन से, ए इंटू रूट के अंदर जो है उसको हम रख दिया, अब प्लस बी। यहाँ से यही इक्वेशन से हम ए और बी का वैल्यू निकाल लिए, तो देखो तो गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7ax अब प्लस 9a प्लस बी। देखो तो x के साथ कितना है मल्टीप्लाई 7a, x के साथ कितना है 3, तो ये कोफिशियंट कोफिशियंट के बराबर और ये कांस्टेंट कांस्टेंट के इक्वल कर दिए। ए का मान निकाल के ए का मान रखेंगे तो इसको कैलकुलेट किए और बी बी निकालना है इसको इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई करेंगे निकाल के 8/7। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यही है आपका एक मान लीजिएगा, इसके बदला में यही रखेंगे यहाँ इंटीग्रेशन में क्या रख देंगे, तो देखिए तो आपका इंटीग्रेशन है इस तरह से 3x प्लस 5 बाय रूट अंडर 7x प्लस 9 dx, यही है। तो देखिए तो इसके बदले में क्या रखे, 3x प्लस 5 के बदला में यही है ना, क्या लिखेंगे a इंटू 7x प्लस 9 प्लस बी बाय रूट अंडर 7x प्लस 9 dx। कोई दिक्कत है हमको लगता है, और एग्जांपल देंगे पहले ये क्लियर होगा तब ना, और इसको क्लियर करोगे तब तो क्लियर करो पहले। इसके बाद क्या करेंगे, एक कांस्टेंट है तो अलग अलग भाग दे दो, अलग अलग भाग देंगे, एक का मान निकाले हो कितना निकाले हो, एक का वैल्यू 3/7 × 7x + 9 बाय रूट अंडर 7x + 9 प्लस बी का वैल्यू आप निकाले हैं 8/7 कितना निकाले हैं 8/7 × 1/√7x + 9 dx। अलग अलग डिवाइड कर दिए इसमें अलग और इसमें अलग, और बी का मान भी रख दिए ए का मान भी रख दिए, या यहाँ नहीं रखना चाहते हैं तो आगे रखेंगे वैल्यू, यहाँ नहीं रखना चाहते हैं तो आगे रखेंगे वैल्यू बी। तो देखो तो या यहाँ भी लिख सकते हो बी बाय, अलग अलग वैल्यू कर दिए भाग दे दिए। अब ए तो कांस्टेंट है, ए के बारे में क्या बताए थे कांस्टेंट है, तो ए बाहर आ जाएगा और ये रूट से कट जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं ए बटे रूट ए बताए थे रूट ए से कट जाता है, कितना बचता है रूट ए, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा ए इंटू रूट अंडर कट जाएगा तो निकल जाएगा 7x + 9 अब प्लस ऊपर ले जाओ बी, इसका वैल्यू कितना बताए थे रूट का मतलब हाफ dx। अब आप अलग अलग कीजिए, ए बाहर निकालिए इसका मतलब 7x + 9 ½ dx, अलग अलग कर देते हैं और बी बाहर हो जाएगा ये ऊपर जाएगा तो 7x + 9 ½ dx। देखिए तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ गया, ए का वैल्यू आपके पास है कितना निकाले हैं 3/7, तो ए का वैल्यू हो गया 3/7 और इसका इंटीग्रेशन कीजिए क्या हो जाएगा 7x + 9 1 जोड़ेंगे हाफ में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3/2 डेढ़, 1 + ½ डेढ़, डेढ़ को 3/2 बाय 3/2 इंटू एक्स के साथ गुना है 7 से भी डिवाइड, प्लस यहाँ बी का वैल्यू आप निकाले हैं 8/7 यहाँ रखेंगे 8/7 और यहाँ हो जाएगा 7x + 9 पर पावर 1 − ½ बाय ½, यहाँ भी 7 से भाग प्लस सी। आप कैलकुलेट करें यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा ब्रैकेट, तो इस तरह से कैलकुलेट करें आपको मिल जाएगा वैल्यू 1/ देखिए तो 49 बाहर आ जाएगा 1/49 7 × 7 = 49 तो बाहर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे कर लेते हैं, इधर से हो गया होगा लिख लीजिए इसको, फिर से बता देते हैं, फिर से देखिए एक बार, यहाँ तक सबको समझा दिए हैं मगर बार बार यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसका वैल्यू ये रख दिए, इसका वैल्यू ये रख दिए। अब अलग अलग भाग देंगे, इसको अलग इसमें अलग दे दिए भाग, इसमें अलग अलग कर दिए भाग कर दिए, जैसे आप लोग करते थे याद करो x + 3/2 लिखते थे x/2 + 3/2 अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ भी हम लोग अलग भाग दे दिए अलग भाग दे दिए, तो देखो तो यहाँ कट जाएगा, ये कट जाएगा रूट ए है तो रूट ए से भाग देंगे तो रूट ए बार में कट जाएगा, तो रूट बार में ही कट जाएगा ए इंटू इतना प्लस बी बटे इतना। अब एक कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, इसका मतलब रूट का मतलब हाफ
और ये बी कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाए ऊपर जाएगा तो माइनस ऑफ डी एक्स इंटीग्रेट ए का वैल्यू रख दो 3/7 और जब 3/7 रख दिए तो इसका इंटीग्रेट करो एक जुट जाएगा जुटे हुए से भाग और एक्स के साथ जो गुना है भाग फिर यहाँ बी का वैल्यू रख दिया 8/7 जोड़ेंगे तो माइनस हाफ प्लस वन हाफ यही ना तो देखो तो हाफ ले लिए हाफ से भाग और सात से भाग अभी हो गया इंटीग्रेट आपका ये इंटीग्रेट हो गया। अब ये जब इंटीग्रेट हो गया तो अब आपको कैलकुलेट करना है आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। वीडियो नहीं चल रहा है सर नीतीश कुमार बोल रहा है लीजिए साइड हट गए हैं इधर हो गया होगा इधर मिटाएंगे उसको सर कैलकुलेट कर देंगे कहां पर आपको ले जाके छोड़ना है वहां भी छोड़ सकते हैं आप। ये इंटीग्रेट आपका हो गया आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए जहां जहां लेना पड़ेगा आपको कॉमन उमन ले लीजिए। देखिए तो आपको 7 × 7 यानी पहले मल्टीप्लाई करते हैं 3 कैंसिल क्या होगा 2/49 2 उलट जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा 49 और बच गया आपका 7x+9 पर पावर 3/2 प्लस यहाँ उलट जाएगा 16/49 7x+9 पावर हाफ प्लस सी यहाँ देखो 3/ सेम चीज़ है ये दोनों यहाँ 3/2 पावर है यहाँ हाफ पावर है तो यहाँ हाफ हाफ पावर बाहर भी ले लेंगे 2/49 भी बाहर हो जाएगा क्या हो जाएगा 2/49 बाहर और ये भी बाहर आ जाएगा √7x+9 ये 2/49 बाहर यहाँ से हाफ बाहर कितना बचेगा 7x+9 एक पावर बच जाएगा हाफ पावर बाहर लेते एक पावर बचेगा अब प्लस यहाँ से आप ये बाहर ले लिए 49 बाहर 2 बाहर प्लस 8 प्लस सी आपका उत्तर आ गया आंसर जिसको कहते हैं आंसर आ गया 7x+17 प्लस सी। देखिए इस टाइप से देख लीजिए यही आपका उत्तर होगा। अगर आप नीचे मिटा दीजिए तो आपको पता चलेगा कॉमन आपको लेके उत्तर बनाइएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा कॉमन लेके बनाइएगा उत्तर कॉमन लेके उत्तर बनेगा छोटा हो गया यहाँ भी है ये इंटीग्रेट कर दिए केवल यहाँ कॉमन लेके बनाइएगा वीडियो देखिए और लिख लीजिए। ऐसा एक और प्रॉब्लम देते हैं और दे रहे हैं एग्जाम्पल और देंगे इस पर हो गया होगा इसी में एग्जाम्पल देखिए इस तरह से देते हैं आपको x-1+√x+1 dx देखिए सेम उसी तरह का बनेगा बटे में रहे या इंटू में रहे उसी अनुसार से बनेगा जब देखिए तो आप मुझे लिख लिए होंगे लास्ट में कॉमन लो 2 कॉमन 49 कॉमन यहाँ देखो डेढ़ है यहाँ हाफ है तो हाफ हाफ कॉमन हाफ का मतलब रूट तो हाफ निकल गया डेढ़ में हाफ निकला यहाँ एक बचेगा यानी ये बचेगा अब प्लस यहाँ से 2 बाहर ये बाहर ये बाहर तो 2 बाहर तो 8 बचेगा 8 है तब देखिए तो 9+8 या इतना बचेगा एक पावर यहाँ से 8 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 × 8 = 17 यानी 17 नहीं समझे कहाँ पर अभी ये प्रॉब्लम समझाएंगे सचिन जी यहाँ से देखिए मान निकालने बताए थे यहाँ से देखिए फिर से एक बार अब क्या करेंगे इसके बदला में वो रख देंगे ये रख दिए जो बताए थे इक्वेशन 1 में रख दिए अलग अलग डिवाइड करेंगे अलग अलग डिवाइड करो तो ये तो कट जाएगा आपका रूट बार में कट गया ये रूट का मतलब हाफ रूट का मतलब कितना पावर हाफ एक कॉन्स्टेंट है बाहर बी कॉन्स्टेंट है बाहर ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ गया इसका इंटीग्रेट कर दीजिए तो इस पर एक जुटेगा हाफ प्लस वन कितना होगा डेढ़ डेढ़ को क्या लिखते हैं 3/2 अब ये सब समझो देखिए यहां फिर से इसको समझा रहे हैं डेढ़ और इससे भाग हो गया x के साथ 7 है 7 से भाग फिर यहां b का मान 8/7 हाफ जोड़ेंगे हाफ माइनस हाफ प्लस वन तो हाफ बचेगा तो हाफ और हाफ से भाग इसके साथ 7 से मल्टीप्लाई 7 से भाग प्लस सी अब यहां पर 3 कैंसिल
अब यहाँ पर ये पलट जाएगा 1649, देखिए यहाँ 2/3 पलट जाएगा 2/7 × 7 = 49, अब प्लस इतना इंटू इतना प्लस 8 × 16 = 49 इंटू 7 × 9 पर हाफ जो है। अब कॉमन ले लीजिए आप, देखिए 2 कॉमन 49 कॉमन, अब यहाँ देर है यहाँ हाफ है, हाफ हाफ कॉमन, हाफ का मतलब रूट, यहाँ एक बचेगा, अब प्लस ये बाहर 2 बाहर तो 8 बचेगा, 9, 8, 17 इधर तो वही है 9, 8, 17 आंसर है। अरे नहीं समझ में आता है ऑनलाइन में तो शुरू से वीडियो देखोगे तब ना समझोगे, नहीं समझ में आता है तो अभी तुरंत आओगे समझ जाओगे, जो पहले का इंटीग्रेशन बनाया और कल जो बनाया और फिर हम आज बता रहे हैं, दो दिन से बनाया सवाल बन गया, अब फिर तुम बीच में कोई लड़का घुसेगा कि हमको समझ में नहीं आता है तो रूल पकड़ेगा तब ना सब लिख देते हो नहीं समझ में आता है, शुरू से वीडियो देखो डिफ्रेंशिएशन जानो तब इंटीग्रेशन पकड़ोगे, नहीं तो नहीं पकड़ पाओगे। अब यहाँ देखिए निकालने लगा लोग, कैसे बताए मान निकालने, तो देखो तो बिना रूट वाला, बिना रूट वाला को क्या लिखेंगे हम लोग, लिख देंगे इक्वल टू कांस्टेंट लाते हैं क्या चीज ए, रूट में क्या है एक्स प्लस वन प्लस कितना बी, देखो वही सवाल को हम बटे में था अब इंटू में करके बता रहे हैं, देखो तो बिना रूट वाला लिखे इक्वल टू ए इंटू इतना प्लस बी, अब इसका किसका मान निकालना है ए और बी का, किसका वैल्यू निकालना है ए और बी का, तो देखो तो एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई करो ए एक्स प्लस ए प्लस बी, यहाँ निकल गया एक्स माइनस वन इक्वल टू ए एक्स प्लस ए प्लस बी, इसलिए हम ये प्रॉब्लम लिए हैं, नहीं कुछ तो इसके साथ कितना गुना वन, नहीं कुछ तो कितना गुना वन, तो देखो तो एक्स का वैल्यू एक्स के सॉरी एक्स का वैल्यू कितना, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है ए और एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है वन, तो ए इक्वल टू कितना ए इक्वल टू वन, ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है क्या लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू माइनस वन है कॉन्स्टेंट इधर, अब ए का मान बताओ 1 + b = -1 इसलिए b = -1 - 1 कितना निकल गया -2, ए का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1, अब बी का वैल्यू -2, देखिए निकल गया, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बार बार लिखते हो कि वीडियो रुक रहा है, सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है और तो सबका सही चल रहा है, ए बी का वैल्यू निकाल लिए, अब क्या करना है इसी को बोले थे वन मानने, जहाँ पर ए बी लिखते हैं इसी को हम लोग कहते हैं वन मानने, और यहीं पर आप इसका वैल्यू एक्स माइनस वन के बदले में आप लिख देंगे, एक्स माइनस वन के बदले में आप लिख देंगे, तो देखो तो एक्स माइनस वन के बदले में क्या लिखे हैं, पहले प्रॉब्लम हम लिख देते हैं यहाँ इस तरह से है, एक्स माइनस वन रूट अंडर एक्स प्लस वन डी एक्स, देख लो अब देखो तो एक्स माइनस वन के बदले में क्या लिखे हैं ए इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी बड़ी ब्रैकेट में रूट अंडर एक्स प्लस वन डी एक्स, देखो एक्स माइनस वन के बदला में लिख दिए इतना लिख दिए, एक्स माइनस वन के बदला में लिख दिए इतना लिख दिए, इसके बदला में ये लिख दिए, इसके बदला में लिखे हैं आप ये आप लिख दिए, अब क्या करते हैं गुना करते हैं इसको इसके साथ भी इसको इसके साथ भी, तो गुना कीजिए ए इंटू एक्स प्लस वन इंटू रूट अंडर सॉरी एक्स हाँ एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू रूट अंडर एक्स प्लस वन डी एक्स, देख लो इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे इसको बी के साथ भी कर दिए मल्टीप्लाई, यहाँ देखो तो वन पावर यहाँ हाफ पावर, तो क्या हो जाएगा ए वन जोड़ हाफ डेर, तो लिखेंगे एक्स प्लस वन पर पावर 3/2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन पर रूट का मतलब कितना पावर हाफ डी एक्स, अब अलग अलग कर दीजिए ए क्या है ए भी कांस्टेंट है, ए का मान निकाले हैं बी का मान निकाले हैं, तो ए बाहर करेंगे क्या होगा एक्स प्लस वन पावर 3/2 प्लस बी बाहर डी एक्स छूट गया डी एक्स प्लस बी बाहर एक्स प्लस वन पर पावर हाफ डी एक्स, ए का मान जानते हैं कांस्टेंट है वन है, तो वन इंटू इंटीग्रेट करो एक्स प्लस वन पावर एक जोड़ो देर में एक जुटेगा क्या होगा 2.5
डेढ़ प्लस वन ढाई, ढाई को कैसे लिखते हैं, फाइव बाय टू बाय फाइव बाय टू, यहाँ चूंकि गुना नहीं है तो भाग नहीं लगेगा, प्लस बी का मान माइनस टू, तो क्या लिखेंगे यहाँ, माइनस टू, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स प्लस वन। अब बताओ तुम ही लोग, जोड़ो एक, वन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री बाय टू बाय थ्री बाय टू, प्लस ये चूंकि मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ इसके साथ, इसलिए भाग नहीं लगा। देखिए यहाँ बन भी गया, बी का मान भी निकाल के रख दिया, बहुत अच्छा। इसका मतलब ऊपर जाएगा तो फाइव, टू बाय फाइव, टू बाय फाइव, एक्स प्लस वन पावर फाइव बाय टू, अब माइनस फोर बाय थ्री, एक्स प्लस वन पावर थ्री बाय टू प्लस सी। अब आप कॉमन ले लें, इधर बनाया हुआ है, इधर आपका है, मिटा देते हैं, इधर हो गया होगा। देखिए तो टू टू कॉमन है, टू टू कॉमन है, या फिर से एक बार हम लिखते हैं यहाँ, तब कॉमन लेने में बनेगा टू बटे फाइव, एक्स प्लस वन पावर फाइव बाय टू, माइनस फोर बाय थ्री, एक्स प्लस वन पर पावर थ्री बाय टू प्लस सी। देखो तो यहाँ ढाई है, यहाँ डेढ़ है, तो डेढ़ कॉमन आ जाएगा कि नहीं, और टू टू यहाँ से आएगा नहीं कॉमन, तो हो गया कॉमन टू, और एक्स प्लस वन पावर अढ़ाई में डेढ़ ले लो कॉमन, डेढ़ बार यहाँ अढ़ाई में डेढ़ रह जाएगा तो एक बचेगा, यहाँ हो गया एक्स प्लस वन बटे फाइव, माइनस ये बाहर टू बटे थ्री प्लस सी। देखिए ये डेढ़ लिए हैं तो एक बच जाएगा, यहाँ टू लिए हैं तो फाइव बच जाएगा, यहाँ टू लिए हैं तो यहाँ टू बचा, ये बारह हो गया, थ्री बचा, मल्टीप्लाई कर दो, ए सॉरी एलसीएम ले लो, इसको सॉल्व करो, फिफ्टीन थ्री एक्स प्लस थ्री माइनस टेन प्लस सी निकल गया आपका, क्या निकल गया, टू बाय फिफ्टीन एक्स प्लस वन पावर थ्री बाय टू इंटू थ्री एक्स माइनस सेवन प्लस सी। देखिए आंसर ऐसा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि बना लीजिएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे पाँच सात को दस को सवाल है, उम्मीद है बना लीजिएगा। अब चलें थोड़ा सा त्रिकोणोमेट्री पर, किस पर चलें, त्रिकोणोमेट्री का हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, किस फॉर्मूला से करेंगे, कहां पर कैसे लिखेंगे, उसके बारे में इसके बाद एक्सपोनेंशियल के बारे में बताएंगे कि आपको एक्सपोनेंशियल का आप कैसे करेंगे ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हम आपको अलजेब्रिक बताए। अब चलते हैं थोड़ा सा त्रिकोणोमेट्रिकल पर, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। त्रिकोणोमेट्रिकल थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि त्रिकोणोमेट्रिकल ही आगे आपको त्रिकोणोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम मिलेगा इंटीग्रेशन में, इसलिए त्रिकोणोमेट्रिकल जो भी हम बताएं उस पर विशेष फोकस कीजिएगा। इसका रूल ही है इस ट्रांसफॉर्म करने का, इसको आप और इजी मेथड हो जाएगा जब सब्स्टिट्यूशन से बनाइएगा, जब सब्स्टिट्यूट करके बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो और आसान हो जाएगा। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हम इसलिए पढ़ाए कि जब हम रेशनल इरेशनल की बात करेंगे तो वहाँ हमको थोड़ा थोड़ा ये मिलेगा, तो उस समय आप कहिएगा हम नहीं समझ रहे हैं, इसलिए दो चार पांच प्रॉब्लम बना के दिमाग में केवल बैठा लेना है, तब आपको आगे इंटीग्रेशन में मजा आएगा। मुझे लगता है हो गया होगा, आप जुड़े हुए हैं सब लोग, सचिन कुमार, नितेश कुमार, नितेश कुमार, नरेंद्र कुमार, दिलखुश कुमार, रामाश्रय सिंह, दिलखुश कुमार, नितेश आनंद, प्रेम कुमार भी हैं, नरेंद्र कुमार, आदित्य आनंद, राहुल कुमार, आशीष कुमार, रंजन, वीडियो रुक रहा है, देखिए प्रॉब्लम होगा आशीष जी, राहुल कुमार, युवराज सिंह, अभिषेक कुमार, विश्वजीत सिंह, हिमांशु राज, मोहन कुमार, राहुल कुमार, नेहा प्रिया, अभिषेक कुमार, विक्रांत कुमार, आर एस मिश्रा सर हैं, गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, रामाश्रय सिंह हैं, नरेंद्र कुमार है, युवराज सिंह हैं, अच्छी बात है, युवराज सिंह, दिलखुश कुमार, मोहन कुमार, सुनील कुमार, देसी हट न्यूज, दिल से गुड मॉर्निंग, शिवेश आनंद, सुनील कुमार, सुनील कुमार, मेनी मेनी थैंक्स आप लोगों को। तो इस तरह से आप देखेंगे, आप बनाएंगे इसको, आज कोशिश कीजिएगा। हम चलते हैं त्रिकोणोमेट्रिकल पर, आप कैसे करते हैं, मिटा दूं, हो गया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे, सबका हो गया, हो गया, राजेश कुमार का हो गया है, सबका हो गया,
जिसका टाइम कम है जा सकते हैं संतोष बाबू आप, टाइम कम है तो ये हम नहीं कह सकते हैं, मेरा अपना सिलेबस है। मुझे लगता है हो गया होगा, टाइम भी कम है तो निकालिए। अब देखिए आप लोग कहाँ पर दिक्कत खाइएगा, कैसे कौन प्रॉब्लम को तोड़िएगा, ट्रांसफॉर्मेशन में हम बताने जो जा रहे हैं उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा तो आपका वीडियो इधर मत देखिएगा। कहावत है ना, अभी क्या कहता है ये कोरोना वायरस से क्या बोल रहा है, ज़्यादा तुम दिक्कत करोगे तो सटले बेटा कि गले बेटा, वही पर यहाँ है, ध्यान हटाया कि तुम गया, ध्यान नहीं हटाना है। देखो तो क्या इंटरेस्ट है यहाँ पर तुम लोग को, कैसे तुम लोग पकड़ोगे। देखो तो आज कल हम बताए थे साइन 3x dx का इंटीग्रेशन पढ़ा था, ऐसा तुम लोग जानते हो, बनाए भी हो, क्या था -cos 3x / sin का माइनस कॉस बता, जिसके आगे खोल गया उसमें माइनस होगा इंटीग्रेशन में, तो 3x एक्स के साथ क्या गुना है 3, तो बटे 3 प्लस सी। लेकिन अगर प्रॉब्लम आपको इस तरह से दे दें कि चूंकि इसका तुम जानते हो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है तो तुम बना लेते हो, लेकिन अगर प्रॉब्लम हम इस तरह से दे दें sin²x dx, sin³x dx, ये डिफ्रेंसिएशन है किसी का बताइए, किसी का डिफ्रेंसिएशन है नहीं है। जब ये किसी का डिफरेंशिएशन नहीं है इसका तो आप डायरेक्ट जानते हैं, लेकिन जब ये किसी का नहीं है तो आपको इसको तोड़ने का तरीका आना चाहिए कि हम इसको कैसे तोड़ेंगे। इसी को हम तोड़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, और इसके लिए हम ये सब फॉर्मूला का यूज करेंगे जहां आप पढ़े थे मल्टीपुल एंगल में sin²x बताए थे 1 - cos²x / 2 cos²x। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम कैसे करेंगे देख लीजिए, cos²x को तोड़ेंगे 1 + cos²x / 2। अगर कोई लड़का कह दे sin²x / 2 रहे हाफ में रहे, तो देखो यहाँ तुम लोग को एक नेचर बता देते हैं, हर वक्त कोई फॉर्मूला को नेचर पर पकड़िए। यहाँ x है तो दुगुना एंगल है, एक्स का क्या है 2 गुना है, यहाँ भी एक्स है तो 2 गुना है, और यहाँ x/2 इसका 2 गुना क्या होगा तो 1 प्लस, अगर 2 से गुना करते हैं x/2 तो कट जाएगा तो क्या होगा -cos²x / 2। और अगर कोई कह दे cos²x / 2 तो लिखेंगे 1 + cos²x / 2 इस टाइप से। अब कहिएगा सर क्यूब रहेगा तो क्यूब का ही फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, अगर sin³ रहे sin³x रहे तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ ट्रांसफॉर्म करके। आप लोग 11th में पढ़ा था sin³x क्या बताए थे 3 sin x - 4 sin³x, तो हमको qx का मान निकालना है, इसको इधर लाओ इसको इधर लाओ, तो 4 sin³ = 3 sin x - sin³x, इसलिए sin³x का मान हो जाएगा 3 sin x - sin³x / 4 ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि sin³x - sin³x / 4 देख लीजिए 3 sin x - sin³x / 4। अगर cos³x की बात करें cos³x में तो देखो यहाँ पहले होता है यहाँ ये होता है, लिखेंगे 3 cos x + cos³x / 4 इस टाइप से, क्योंकि cos³x का फॉर्मूला होता है पहले ही तभी, तो इस तरह से हम जहाँ भी देखेंगे q का है स्क्वायर का है इस तरह से तोड़ेंगे। आप लोग इस तरह का फॉर्मूला जानते थे, अभी हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं सवाल बनाने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए आप लोग इस तरह जानते थे कि sec x * tan x dx जानते हैं कि नहीं फॉर्मूला sec x आप लोग इस तरह जानते हैं कि sec²x डिफ्रेंशिएट होता है सर टेन एक्स नहीं, लेकिन अगर इस टाइप की बात कर दें हम इस टाइप से कर दें कि नहीं स्क्वायर में 10² हो जाए
एक्स डी एक्स, इसके पहले भी ट्रांसफॉर्म किए थे आप, इसको करना पड़ेगा तब इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। चूंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर का होता है टेन एक्स, इसलिए नहीं, इसका हम कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं जानते हैं, तो हमको लाना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। यानी आपने क्या देखा कि टेन स्क्वायर एक्स की बात करें तो किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। सिमिलरली अगर कॉट स्क्वायर एक्स रहे तो आप किस में करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, इस टाइप से ट्रांसफॉर्म करेंगे। और जब इस तरह से आप ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आप फटाफट इस तरह से देगा, इस तरह से देगा तो आप इंटीग्रेट तुरंत कर लेंगे। सर इसमें किसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, किस में तोड़ते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में, कॉट स्क्वायर रहेगा तो कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस वन में, इस तरह से हम तोड़ते हुए निकलेंगे। जहां भी हम देखेंगे टेन स्क्वायर है, इसका मतलब जरूर यह टूटेगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में टूटेगा। अगर आप इस तरह से तोड़ना सीखते हैं और इस पर अगर दो चार दस बीस सवाल बना लेते हैं तो दिमाग में बैठ जाएगा, और अब जब दिमाग में बैठ जाएगा जहां भी आएगा फटाके जगह इसको इसमें तोड़ना है। तो इस सब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसलिए दे रहे हैं कि आगे ये सब मिलेगा, बड़ा बड़ा सवाल। आज युवराज सिंह बोल रहे हैं कि सर आईआईटी लेवल का एडवांस का आप कॉन्सेप्ट दीजिए, तो उसी सब को हम थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में भर रहे हैं कि कब कहाँ कैसे तोड़ना है, कब कैसे कहाँ तोड़ना है, ये सब आपको दिमाग में हम दे रहे हैं। तो मुझे लगता है इधर हो गया होगा। अब आगे बताते हैं, अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो, इस तरह सा हो, कैसा हो है, देखिए हम दिखाते हैं आपको, वन प्लस साइन के एक्स डी एक्स इस टाइप का हो, तो जैसे आप इस तरह से कीजिएगा इसको तुरंत हम तोड़ेंगे, किसमें, वन प्लस कॉस में ले आएंगे, नब्बे माइनस के एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। और जब इस तरह से तोड़ेंगे तो आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, कॉस का वन प्लस कॉस का हम लगाएंगे फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है, वन प्लस कॉस दो से गुना कर देंगे तो वन प्लस कॉस एक्स का टू ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, देखिए एक्स है तो एक्स वाई टू है कि नहीं, एक्स वाई टू एक्स है तो है, वन प्लस कॉस एक्स दो से गुना करो टू कॉस स्क्वायर एक्स वाई, तो इस तरह से तोड़ेंगे और इस तरह से मिलाएंगे, इसको क्या करेंगे देखो, तो इसी में एंगल में टू से भाग हो जाता है, जो एंगल है उसमें टू से भाग हो जाता है, तो लिखोगे टू ऑफ कॉस स्क्वायर, टू ऑफ कॉस स्क्वायर लिख दिए, एंगल में क्या होता है एक्स एंगल है तो एक्स बाय टू, यहाँ एंगल क्या है पाई बाय टू माइनस के एक्स बाय टू डी एक्स, डी एक्स लगेगा सब में, इस टाइप से तोड़ेंगे। जहां देखिएगा माइनस वाला भी है, देखो यहाँ कॉस में माइनस में भी है, इसको माइनस में लाएंगे तो ये माइनस होगा, तो ये कॉस माइनस वाला फॉर्मूला आपके पास है, यहाँ हम लिख दें वन माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला टू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, दिमाग में बैठाइए, तोड़ने का तरीका आपको दे रहे हैं बहुत ईजी और सिंपल। अभी दे ही रहे हैं ओम प्रकाश जी, आप चिंता नहीं कीजिए, सबको हम तोड़ने बेसिक कॉन्सेप्ट में ला रहे हैं, अभी त्रिकोणमिति का आधा ही हुआ है, और इसके बाद आपको एक्सपोनेंशियल भी तोड़ने बताएंगे कि कैसे आप 7 टू डी पावर एक्स रहेगा, 2 डी पावर एक्स रहेगा, उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लाना है, ये सब हम आपको बता देंगे। तो देखिए, तो अब इसको आप ले सकते हैं कि नहीं, स्क्वायर है बाहर हो गया, 2 है तो रूट 2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ गया। अब देखिए तो रूट है स्क्वायर है तो खत्म हो गया, तो क्या हो गया कॉस, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, पाई बाय फोर माइनस के बाय टू एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला जानते हैं, कॉस का क्या होता है, कॉस का क्या होता है साइन, जो फॉर्मूला है जो एंगल है लिख दीजिए, के बाय टू एक्स अब बटे किससे भाग, एक्स के साथ जो कॉन्स्टेंट उससे भाग, तो माइनस के बाय टू अब प्लस सी, देखिए इंटीग्रेट, अभी तो कैलकुलेशन है, आप यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस टू रूट टू बाय के साइन पाई बाय फोर माइनस के बाय टू एक्स प्लस सी, देखिए अगर इस टाइप का कहीं भी इंटीग्रेशन रहे तो दिमाग में बैठाइए कि हम इसी तरह से तोड़ेंगे, इसका फॉर्मूला है मेरे पास, प्लस और माइनस दोनों में है, प्लस रहे या माइनस रहे हम इस तरह से तोड़ के निकाल सकते हैं, आपके पास फॉर्मूला है। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम सब में चलेंगे बाबू, लॉगरिथम भी आएगा तो तोड़ने बताएंगे, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम तो साथ चलता है ना उसको, इस टाइप से। तो देखिए तो आप उतारिए इनको, और हमको लगता है कि आप बनाएंगे कुछ बनेगा, आज तो टाइम कम है, होगा अथवा नहीं होगा हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं,
कि आपका एक चैप्टर डेली निकले और जब आप लेवल में आ जाइएगा, कुछ समझ जाइएगा इंटीग्रेशन, तो हम आपको सिक्योरिटी देते हैं कि एडवांस लेवल हो, आईआईटी लेवल हो, जो भी हो, आपका प्रॉब्लम आप देखते के साथ तोड़ देंगे। तो बाकी आप इसमें इसी चैप्टर में आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी दिए थे कि अगर बाहर में टेन इन्वर्स है तो टेन में लाना है, साइन इन्वर्स है तो बाहर में साइन इन्वर्स है तो भीतर में साइन के फॉर्म में लाना है, ये सब ट्रिक दिए थे, उस सब से ही बनाइएगा बनेगा। लेकिन अभी हम फिलहाल इसको मिटाएं, क्या हो गया देखिए, तो पीडीएफ आज भेज देंगे, पीडीएफ अभी 11-12 बजे तक में भेज देंगे हम, 11-12 बजे तक में सबको मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा पीडीएफ। क्या इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया होगा मुझे उम्मीद है, कोई लड़का नहीं लिख रहा है कि हुआ कि नहीं हुआ। तो खैर ऐसा कीजिए, टाइम भी आपका हो रहा है, आप यहाँ तक बना के लाइए, हम बाकी यहाँ के बाद हम वीडियो देख लेंगे पीछे से कहाँ तक बताए थे, यहाँ के बाद हम स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर हम कल आपको कंप्लीट कर देंगे। और कल आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जो भी सवाल होगा परसों पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। इसके बाद चलेंगे सब्ट्यूशन से, वहाँ जब सब्ट्यूशन मेटर चलेंगे तो वहाँ से ज़्यादा इंटरेस्ट आपको आएगा, वहाँ से केवल ट्रिक का खेल है, कैसे क्या बनाइएगा टोटल ट्रिक पर चल जाएगा। इसके बाद देखिएगा आपका इंटीग्रेशन का बेस, जब इंटीग्रेशन का बेस बना देंगे तो फिर आप अपने आप को कहिएगा बन जाएगा सर। तो जहां तक आपसे प्रॉब्लम बने 19.2 का आज हम भेज देंगे आपको, 19.2 पीडीएफ हम भेज देंगे, जिस लड़के के पास बुक है बनाइएगा, जिसके पास बुक नहीं है, केसी सिन्हा एनसीईआरटी में प्रॉब्लम नहीं है, केसी सिन्हा का हम भेज देंगे, लेकिन 11-12 के बीच में भेजेंगे, 11-12 बजे के आसपास भेजेंगे, अभी हम तो काम से चल जाएंगे, मेरे पास मोबाइल रहता नहीं है, हम घर जाएंगे तो बनाएंगे इस मैटर से। और बाकी ये सब फॉर्मूला पर जो भी सवाल है आप तोड़िएगा, उसको मेन डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म पर लाइएगा तोड़ करके, किसके फॉर्म पर लाना है हमको, मेन मेरा मकसद है कि डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म पर आपको ला के छोड़ देना है, और जैसे डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म पर आ गया उसका खुद इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे आप करते हैं, देखिए यहाँ आ गया कॉस का साइन पर आ गया, आ गया कॉस का होता है साइन, इसका इंटीग्रेशन होता है, इसी फॉर्म पर लाके छोड़ दिए। खैर इसके लिए मैं अभी यही छोड़ देता हूँ, आपका टाइम हो चुका है, दूसरा क्लास भी आपको करना होगा, तो चलिए थोड़ा बच के रहिए, ज़्यादा संख्या में कोरोना वायरस फैल रहा है, और थोड़ा उससे परहेज कीजिए, लोगों से सोशल डिस्टेंस पर रहिए। और हम यही कहेंगे आपको, एक शिक्षक होने के नाते पूरा देश, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी लोग लगे हुए हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, थोड़ा उनको आप लोग कोऑपरेट करें, और मेरा कर्तव्य बनता है सरकार के साथ चलें। तो हम लोग भी सोचते हैं कि हम भी सोशल डिस्टेंस में रहें, आप भी रहें, और प्रायः बनाकर रखें, इसके लिए ज़रूरी है, जिससे आप बच सकते हैं। खैर अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, ठीक है, थैंक्स, बाय।